बोल दो ना। कर दी। ओके, गुड मॉर्निंग। टुडेज क्लास फॉर क्लास थर्ड एंड फोर्थ। टुडे आई विल टीच यू हाउ वी कैन यूज आर्टिकल्स इन द इंग्लिश सेंटेंस। जनरली वी आर हैविंग थ्री टाइप ऑफ आर्टिकल्स, ए, एन एंड दी। दीज आर द थ्री आर्टिकल्स विच वी कैन यूज। Now you can see the example. The first example I am writing, I returned the pen. Okay, I returned the pen. And second one is, I want a pen. आप देखिए, मैंने दो sentence लिखा है, I returned the pen and I want a pen. I returned the pen में सम पर्टिकुलर pen, इसमें pen जो है कोई पर्टिकुलर चीज़ बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर चीज़ बता रहा है वर्ड pen। यहाँ पे क्या है, I want a pen, आप कोई भी pen ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है इंक pen हो, बॉल pen हो, पायलट pen हो, फाउंटेन pen हो, आप कोई भी pen ले सकते हो। तो यहाँ पे हो गया ये any pen, ठीक। इस तरह से आपने क्या देखा, ये आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए एंड एन इज कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल, इज कॉल्ड इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। ये इनडेफिनिट आर्टिकल है Because they leave indefinite person things about, ठीक। और यहाँ पे दूसरा जो हो जाएगा वो क्या होगा, the word, the word the is called definite article. Because it point out some particular thing. Because it point out some particular thing. अब यहाँ पे आपने देखा D एक particular pen के बारे में बता रहा है, A कोई भी पेन के बारे में बता रहा है। तो इस तरह से आपको मालूम पड़ा क्या, ए और एन इनडेफिनिट आर्टिकल होते हैं और दी जो होता है वो परफेक्ट आर्टिकल होता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं, बीच में रखते हैं, ठीक। और पार्टिकल्स को हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं, ए एंड दी। उसका दूसरा चूज क्या है, देखिए, यूज ऑफ ए एंड एन। ए और एन बिफोर बिगिनिंग ऑफ वोवल, जब भी कोई शब्द वर्ड वोवल और वोवल साउंड से स्टार्ट होगा तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा आपका, ए एंड एन। एग्जाम्पल, एन एक्स, एन हावर, एच ओ यू आर होता है आवर, पर जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो क्या बोलते हैं, आवर, ओ आ जाता है, ओ एक वोवल है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे एन लगाते हैं, ठीक। इस तरह से हम लोग करते हैं। फिर आता है आपका दी का यूज, यूज ऑफ दी बिफोर कॉमन नाउन। कोई भी कॉमन नाउन होगा उससे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, दी लगाना पड़ेगा। जैसे द सन, द मून, सन एंड मून कॉमन है सबके लिए, यहाँ पे आपने क्या देखा, मैंने दी का यूज किया। तो इस तरह से हमने क्या देखा, दी हम लोग कॉमन नाउन के लिए यूज करते हैं, ए एन एन हम लोग वोवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड या वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड जो होते हैं उनसे करते हैं। इस तरह से आपने आज देखा
हमने आपको आर्टिकल्स बताया, मैंने आज आपको आर्टिकल्स बताया ए एंड डी। इन तीन आर्टिकल्स के ऊपर इंग्लिश के अलग अलग वर्ड्स अलग अलग सेंटेंस में हम लोग यूज़ करते हैं और आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।